हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारत में समाज संरचना और परिवर्तन। पिछले क्लास में हमने भारतीय समाज के पाठ्य परिदृश्य और क्षेत्रीय परिदृश्य के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे यूनिट दो का पहला टॉपिक, भारतीय समाज की संरचना और बनावट। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं भारतीय समाज की संरचना और बनावट। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी एक संरचना होती है। संरचना का तात्पर्य क्या है? बनावट से या ढांचे से है इसका तात्पर्य। तो हर एक समाज की एक संरचना होती है जो कि विभिन्न इकाइयों से मिलकर के बनी हुई होती है और जो उसकी विभिन्न परंपराओं में निहित होती है। परंपराएं विचार करने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ऐसे प्रतिमान हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हुए समाज की विरासत को प्रकट करते हैं। परंपराएं क्या है? परंपराएं विचार करने या अनुभूति करने या व्यवहार करने के प्रतिमान होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं और समाज की विरासत को प्रकट करते हैं। इसीलिए किसी भी समाज का अध्ययन उसकी संरचनात्मक विशेषताओं और उस समाज की मुख्य परंपराओं के आधार पर ही किया जा सकता है, क्योंकि परंपराओं का अध्ययन ही समाज की संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है और संस्कृति किसी भी देश और समाज की आत्मा होती है। संस्कृति के माध्यम से ही हम किसी भी समाज के जीवन की सामूहिक एवं सभी प्रकार की क्रियाओं को जान पाते हैं, समझ पाते हैं और समाज की यही क्रियाएं सामाजिक जीवन की नींव को बनाती है, जिस पर कि किसी भी समाज की संरचना का निर्माण होता है या जिस पर किसी भी समाज की संरचना निर्मित होती है। कोई भी संस्कृति हो, वो मानव जीवन के उन गुणों का सूचक होती है जिनके आधार पर समूह एक विशिष्ट समूह बन जाता है और अन्य मानव समूहों से पृथक देखा जाता है या पृथक दिखाई देता है या भिन्न समझा जा सकता है। संस्कृति के द्वारा ही, कहने का मतलब है कि मनुष्य का समूह या समाज अन्य समूहों से भिन्न दिखाई देता है। परिस्थितियाँ मानव की जीवन यापन की पद्धतियों और स्वभाव में उत्पन्न करती है ना? इसी के आधार पर ही एक समाज की संरचना दूसरे से अलग हो जाती है। भारतीय समाज की संरचना भी विश्व के सभी देशों की संरचनाओं व संस्कृतियों से मौलिक रूप से आध्यात्मिक उद्देश्यों के कारण अलग है, क्योंकि भारत एक भारतीय समाज की संरचना भी विश्व के अन्य देशों की संरचनाओं या बनावट से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। अन्य देशों की संस्कृतियों से भी
मुख्य रूप से अलग है, क्योंकि आध्यात्मिक भारतीय समाज के आध्यात्मिक उद्देश्य अन्य देशों के से थोड़े भिन्न है, इसीलिए भारतीय देश की भारत की भारतीय समाज की संरचना भी अन्य देशों की संरचनाओं से भिन्न है। भारतीय सांस्कृतिक जीवन के को जब हम देखते हैं या जीवन के क्या आधार है जिनको हम यदि देखते हैं, तो यह विशाल समाज तो ऐसा लगता है कि जिन आधारों पर यह विशाल समाज और संस्कृति टिकी हुई है ना, वो आधार प्रमुख रूप से दो प्रकार के हैं। पहला तो ये कि व्यक्ति और समाज का समन्वय या फिर ये कहें कि संतुलित समन्वय, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों ही आ जाते हैं और दोनों ही कर्तव्य निहित है। और दूसरा ये कि विश्व बंधुत्व की भावना और उसका प्रचार, जिसके कारण सांस्कृतिक समन्वय हो पाया है। भारतीय समाज के का अध्ययन अनेक विद्वानों ने किया है ना। इसका अध्ययन करने वाले विद्वानों ने इसकी प्रमुख संरचनात्मक विशेषताएं भी बताई है। M.N. श्रीनिवास ने भारतीय सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषता भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को बताया है। ड्यूमो ने श्रेणीबद्धता को भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता बताया है। ड्यूमे के अनुसार इस समाज को वर्ण और जाति के ऊंच नीच श्रेणी बद्ध क्रम सोपान के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। इसी प्रकार से योगेंद्र सिंह ने भी भारतीय समाज की संरचनात्मक परंपरागत लक्षण बताए हैं। वो क्या क्या बताए हैं? श्रेणीबद्धता, समग्रवाद, निरंतरता तथा लोकतत्व। मेंडल बाम ने भी भारतीय समाज को समझने के लिए दो अवधारणाओं को प्रमुख माना है ना। भारतीय समाज की कुंजी के समान इन अवधारणाओं को वे मानते हैं। दो अवधारणाएं क्या है? वो जाति और धर्म। परंतु ये सब विशेषताएं या लक्षण जो कि भारतीय समाज के अनेक विद्वानों ने बताए हैं, ये शून्य में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि गांवों में, कस्बों में या नगरों में, नगरीय समुदायों में पाए जाते हैं। जैसा कि बच्चों, पहले कभी गांव एवं नगर में परस्पर संपर्क बहुत कम था, क्योंकि यातायात और संचार के साधनों की कमी थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी। परंतु आज प्रौद्योगिकी के विकास के कारण, टेक्नोलॉजी के विकास के कारण ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में संपर्क का क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है। तो हम भारतीय समाज की संरचना को समझने के लिए भारतीय सामाजिक संरचना के इन्हीं पहलुओं को, जहाँ की भारतीय समाज की संरचना पाई जाती है, जैसे कि गांव है, कस्बे हैं, नगर है ना, ग्रामीण सामुदायिक जीवन, ग्रामीण समाज, नगरी समाज, इसका ही हम आज अध्ययन करेंगे, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है यूनिट सेकंड के इस टॉपिक में, भारतीय समाज की संरचना और बनावट में सबसे पहला टॉपिक हमारा है गांव। तो आज हम गांव का भी अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि संरचना क्या है और भारतीय समाज की संरचना किस प्रकार से अन्य देशों से की सामाजिक संरचना से
भिन्न है ना। और अनेक विद्वानों ने भारतीय समाज के अध्ययन करके भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख लक्षण और विशेषताओं को बताने का प्रयास किया है और बताया है ना। तो हम पढ़ेंगे, भारतीय गाँव का अध्ययन करेंगे। अब आज इतना ही, अगली क्लास में ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। थैंक यू।